हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच आज श्रीमान राधे श्याम प्रभु उपस्थित हैं रिवो, और उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि उनसे हमें हरि कथा सुनने का अवसर मिलेगा। तो हम संक्षिप्त में उनका परिचय देना चाहते हैं। प्रभु जी 1991 में कृष्ण भवनमी से जुड़े, जब वो आईआईटी मुंबई में पढ़ाई कर रहे थे, भक्ति रसामृत महाराज जाते थे वहां। रिजोलिनेस भक्ति रसामृत महाराज के संसर्ग में आए और फिर वो आईआईटी टॉपर बने और सीसीआरआई में वहां सीनियर रिसर्च फेलो की तरह काम किया उन्होंने, मैकेनिकल इंजीनियर किया और थर्मेक्स और मैथर में कंपनी में, जैसे भी कुछ कंपनियों में उन्होंने कार्य किया। और उसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनमी इस्कॉन 1994 में अपना पूरा जीवन उन्होंने संसर्ग किया और उन्होंने अपने स्पिरिचुअल मास्टर के आदेश से रिजोलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी ने उनको बोला था कि आप युवा पीढ़ी को प्रचार करिए। तो 1995 में उन्होंने प्रचार करना शुरू किया और उनके शिक्षा गुरु श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी ऐसा ही चाहते थे। 1997 में वो इस्कॉन टेम्पल प्रेसिडेंट बने पुणे के, और उसके बाद उन्होंने बेस चालू किया था 2000 में, और उसको बाद में वॉयस के नाम से जाना गया 2003 से, और हम लोग सब उसी के छात्र हैं बेस के। तो हम लोग ने जब हम लोग भी बेस को लेते कोलकाता में ट्रेनिंग लेके आए थे राधे श्याम प्रभु के अंडर में, हम लोग ने ट्रेनिंग लिया, मैं अनंग मोहन प्रभु थे, तो हम लोग ट्रेनिंग लेने गए थे और पुणे से फिर आके यहाँ बहुत सारा बेस खोला। बी कॉलेज से कितने लोग हैं, बी कॉलेज जादवपुर, तो बहुत सारे कोलकाता के बाकी कॉलेज में, तो इन सब कॉलेज में हमने भी शुरू किया। और प्रभु ने बहुत सुंदर वैष्णवों का समाज बनाया है पुणे में, आप जाएंगे तो ये उदाहरण स्वरूप है। कम से कम 6,000 भक्त जुड़े हुए हैं एनवीसीसी से, और एनवीसीसी में बहुत सारे सुंदर सुंदर कार्यक्रम, बहुत सुंदर ही मंदिर है जो सारे भारत में सारे विश्व में बहुत आकर्षणीय है। और बुक मैराथन में फर्स्ट रैंक पे आया पुणे 2019 में, 2020 में, 21 में, 22 में, और को प्रेसिडेंट प्रभु जी बने 2018 में। और उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएट किया जीबीसी कॉलेज से और ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर बने यूथ के सारे वेस्ट में, और अभी वो सारे इस्कॉन के जितने नेता थे उन्होंने देखा कि प्रभु जी बहुत विख्यात हैं अपने यूथ प्रीचिंग के लिए, तो उनको आमंत्रित किया गया अमेरिका के लिए। तो साल में भी 2 बार वो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका जाके वहां वो प्रचार करते हैं, और उन्होंने ऑलरेडी वॉयस खोलना शुरू कर दिया है कई जगहों पे, उन्होंने जाते ही वॉयस खोलना शुरू कर दिया। अब वहां पे विस्फोट हो गया है हरे कृष्ण आंदोलन यूथों में, हरी बोल। तो हम लोग का परम सौभाग्य है, प्रभु हमेशा आशीर्वाद देते हैं, कोलकाता में समय निकाल के आते हैं सभी स्थानों पे, तो मोती झील में प्रभु जरूर आइएगा। तो हम लोग उनको उनका स्वागत करते हैं परंपरागत प्रतीक से, 3 बार हरि ध्वनि के माध्यम से, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नारायणं नमस्तुते नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं सर्वसंततो जयमुदीरये अष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नयनस्थितिः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो।
नमः। ये प्रातःकालीन भागवत के सत्र में सब श्रद्धालु भक्तों की सुस्वागतम। ये आरंभ टाइम है। हम लोग आज भागवत के दशम स्कंध के 73rd चैप्टर टेक्स्ट नंबर 10 पढ़ रहे हैं, दसवां। राज्यैश्वर्यमदोन्नद्धो न श्रेयो विन्दते नृपः त्वन्मायामोहितोऽनित्या मन्यते सम्पदोऽचलाः। राज्यैश्वर्यमदोन्नद्धो न श्रेयो विन्दते नृपः त्वन्मायामोहितोऽनित्या मन्यते सम्पदोऽचलाः। राज्यैश्वर्यमदोन्नद्धो न श्रेयो विन्दते नृपः मन्यामोहितो अनित्या मन्यते सम्पदोऽचलाः। राज्यैश्वर्यमदोन्नद्धो न श्रेयो विन्दते नृपः मन्मायामोहितो अनित्या मन्यते सम्पदोऽचलाः। माताजी, राज्यैश्वर्यमदोन्नद्धो न श्रेयो विन्दते नृपः त्वन्मायामोहितो अनित्या मन्यते सम्पदोऽचलाः। राज्य ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य से मद नशे से उन्नद वश में न आकर न नहीं श्रेय असली लाभ विन्दते प्राप्त करते हैं नृपः राजा त्वत् आपकी माया माया शक्ति से मोहित मोहित नित्याः क्षणिक मन्यते सोचता है संपदः संपत्ति अचलाः स्थायी। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मते तिल प्रभुपाद जी के द्वारा बात की। अपने ऐश्वर्य तथा शासन शक्ति के मद से चूर राजा आत्मसंयम खो देता है और अपना असली कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह आपकी माया शक्ति से मोहग्रस्त होकर वह अपनी क्षणिक संपदा को स्थायी मान बैठता है। तो पीछे बोल सकते हैं वापिस, अपने ऐश्वर्य तथा शासन शक्ति के मद से चूर राजा आत्मसंयम खो देता है और अपना असली कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता। जिस तरह आपकी माया शक्ति से मोहग्रस्त होकर वह अपनी क्षणिक संपदा को स्थायी मान बैठता है। तात्पर्य उन्नत शब्द सूचित करता है कि जो मिथ्या अहंकार से मदांध हो जाता है वह सदाचार की सीमा तोड़ देता है।
मनुष्य जीवन धर्म के द्वारा अनुशासित होने के लिए है, जिससे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत की पूर्णता तक बढ़ा जा सके। किंतु मूर्ख व्यक्ति संपत्ति तथा शक्ति से अंधा होकर ईश्वर तथा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध मनमाने ढंग से कर्म करने में हिचकता नहीं। दुर्भाग्यवश आज संपन्न पाश्चात्य देशों में यही स्थिति है। श्री राधा गोविंद देव श्रीमन महाप्रभु की, जगन्नाथ सुभद्रा महारानी की, तो आप लोग बहुत एक सुंदर अध्याय पढ़ते आए हो इधर, जो दशम स्कंद के 73 चैप्टर, जिधर मगधेन्द्र जो जरासंध है के कारागर में जो बंदी बनाकर रखे गए थे, लगभग 20,000 से भी ज्यादा, 20,700, इतने राजा लोगों को बंदी बनाकर रखा था उसने। उसका ऐसा कुछ योजना था कि इन सब लोगों को नरबलि में देने के लिए, जो शास्त्रोक्त नहीं है वो, ऐसे मनमानी करके कुछ लोग विगत रख के बाल भैरव इत्यादि का वो लोग तरह बलि वगैरह चढ़ाते हैं। तो ये जरासंध ने क्या किया था, सारे दुनिया में घूम कर सब राजाओं को पराजित करके पकड़ कर लेके आकर इस तरह कारागर में छुपा कर रखा था उनको सालों साल। लेकिन इन राजा लोग अनेक साल उधर कारागर में रहने के बाद क्षीण हो गए, उनका शरीर क्षीण हो गया, पानी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला सही ढंग से, तबीयत ठीक नहीं रही। वो लोग धीरे धीरे सोचा कि हम कभी हमारा मृत्यु ही हो जाएगा जेल के अंदर ही, ऐसे सोचा वो लोगों ने, और पतले हो गए। एक राजा ने सोचा कि अगर हमको बचना हो तो हम भगवान की आश्रय लेना चाहिए, तो भगवान श्री द्वारकाधीश को उन्होंने एक पत्र लिखा कि हम आपसे विनती करते हैं, आप आ जाइए जरासंध के कारागर में, हम लोग को छिपा कर रखा है, हमको बचाइए। भगवान श्री कृष्ण को जब ये खत मिला, तब सभा में नारद मुनि भी आए थे राजसूय यज्ञ के लिए, उनको स्वागत करने के लिए। उसी समय भगवान के हाथ में दो इनविटेशन था, आमंत्रण, एक था राजाओं के द्वारा, दूसरा था राजसूय यज्ञ के लिए युधिष्ठिर महाराज के द्वारा। तब महाराज ने पूछा यदुओं को हमें क्या करना चाहिए, सब यदु लोग कूद पड़े, बोले कि हम जरासंध को मारना है पहले, हम तैयार हैं, प्रद्युम्न अनिरुद्ध सब लोग। इतने में भगवान ने मुस्कुराया, खुद निर्णय नहीं लिया, उन्होंने मुड़कर उद्धव जी को पूछा, मंत्री ऐसे बताया गया है, बुद्ध वो बुद्ध सत्तम वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तमः, ऐसे श्लोक है 11वें स्कंद में। तो उद्धव जो है उसको बुद्धिसत्तम कहा गया है, बड़ा बुद्धिमान है, वो जानते हैं क्या उचित चीज है, किस समय क्या करना चाहिए। तो सब मंत्रियों में से श्रेष्ठतम मंत्री था उद्धव, भगवान के बहुत प्रिय था, भगवान के एक चचेरे भाइयों में एक था, भगवान की शुद्ध भक्त था, और बृहस्पति के शिष्यों में से श्रेष्ठ शिष्य था उद्धव। उनको बुलाकर भगवान ने पूछा क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला कि सही बता दिया उन्होंने, पहले आपको जरासंध को वध करना होगा, क्योंकि जरासंध को खत्म किए बिना राजसूय यज्ञ चालू नहीं हो सकता, क्योंकि 8 दिशाओं के सब राजाओं को जीतना पड़ेगा उस राजा को जो राजसूय यज्ञ करना चाहता हो। तब युधिष्ठिर महाराज ने घोषणा की, मैं राजसूय यज्ञ करने जा रहा हूँ, किसी राजा को मेरे साथ लड़ाई करना हो तो आ जाओ,
लेकिन कोई लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। सब लोग सर झुकने के लिए तैयार थे। बोले कि आप जैसे आदर्श एक राजा ऋषि राजा इस दुनिया में, आपकी अधीनता में रहकर शासन करना ही हमारे लिए शोभा देता है, और हम आपको कर दे देंगे और हमारे ऊपर आप शासन कीजिए, हमारे प्रजा को भी अच्छा रखिए, हम सब आपको कर दे देंगे। सब कुछ थे, सबके सब राजा, सिवाय किसको छोड़कर? जरासंध को छोड़कर। जरासंध लड़ाई के लिए तैयार था। तब उद्धव ने बोला कि जरासंध को पराजित करना होगा, नहीं तो राज्य नहीं हो सकता, इसलिए पहले उसको करना चाहिए। और उन्होंने बोला कि कोई भी उसको वध नहीं कर सकता आसानी से, उसके पास 23 अक्षौहिणी है, उसके पास 23 अक्षौहिणी। अगर आप लोग सेना लेकर जाओगे तो उन सेना उनके सेना को खत्म करते करते हम लोग, हमारे सैनिक लोग थक जाएंगे, इसलिए क्या करना चाहिए? उनकी सेना के साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हमको उसके साथ लेना देना है। ऐसे प्रचार में भी अगर आपने किसी लीडर को प्रचार करके भक्त बना दिया तो उसके साथ के लोग आ जाते हैं। वो भी उन दिनों में एक साई नाम का एक एक व्यक्ति था, वो लाल तिलक पहनता था फॉरेन में कहीं, तो कैसे पता चला भक्तों को? भक्त लोग किताब वितरण करते करते गए, उन्होंने देखा कि कुछ लोग लाल तिलक पहने ऐसे, भक्तों को देखकर धड़ा करके जमीन में गिर पड़ते थे, दंडवत प्रणाम करते थे दूर से। भक्तों ने देखा कि कौन है, ये वैष्णव है क्या? तो निकट आकर उनको उठाया। वो बोले कि हमारे गुरु जी ने सिखाया है कि कभी भी वैष्णव को देखते हो तुरंत आप प्रणाम करो, सड़क में कहीं भी हो, कीचड़ भी हो, गिर जाओ। हाँ, ऐसे गुरु ने सिखाया है। बोले कीचड़ में भी गिर गए थे तो अच्छा, आपके गुरु के पास लेके जाओ हमको। तो उनके गुरु के पास लेके, उनका नाम था साई था उनका नाम था, उनके पास 50-60 युवक थे, सब लोग योगी पैंट और कुर्ता पहनते थे। और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो साई प्रभुपाद की किताब को सिखा रहा है उनको। कहा, इनको मिल गया प्रभुपाद की किताब, वो खुद पढ़ रहा है, समझ रहा है, उनको सिखा रहा है वो। तो लीडर कोई जाकर मिला और बोला कि आओ, हम आपका आयोजन करेंगे प्रभुपाद जी के साथ मुलाकात। बहुत खुश हुआ वो, मैं स्वामी जी को जानता हूँ लेकिन मिलना था कभी। तो उनके पास लेके आए, प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी को मिला, बहुत खुश हुआ, प्रभुपाद के शिष्य बन गया उसके बाद, प्रसिद्ध स्वरूपानंद शिष्य बना, और उसके 50 के 50 शिष्य सब वो भी प्रभा के शिष्य बन गए उसके बाद। इस तरह ऐसे कभी कभी कुछ लीडर्स होते हैं, उनका कुछ गलत फहमी है, जो अपने लोगों को भी वही गलत फहमी फैलाते हैं, इसलिए उनको सुधारो, उनके लोग भी सुधर जाएंगे। तो अभी जरासंध के साथ बध करना चाहिए, क्योंकि जरासंध के कारण इतने सैनिक उसके साथ हैं, तो इसलिए जरासंध को या तो शरण में लाओ, नहीं तो रणभूमि में उसको खत्म करो। क्योंकि शरण लाने का मतलब है युधिष्ठिर महाराज धार्मिक राजा है, वो धर्म के पथ पर चलने वाला है व्यक्ति है, ऐसे हमेशा सारी दुनिया जानता है उसके बारे में, कभी भी संत महात्माओं की शब्दों से हटकर कुछ नहीं करेगा, वो जान भी दे देगा वो भगवान की वचन को पूरा करने के लिए, खुद की खुशी के लिए वो कुछ नहीं करेगा, खुद की सुख के लिए सदा भगवान। अभी रात्रि यज्ञ भी वो करना चाहा, अपनी महत्ता को प्रदर्शन करने के लिए नहीं, उन्होंने वेदव्यास को पूछा कि मैं घोषणा करना चाहता हूँ सारे दुनिया में कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता है, परम सत्य है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, सब जीवों के हृदय में अंतर्यामी है, सबके शुभ चिंतक है, परमात्मा है, और सब देवताओं के स्वामी हैं, और सब सारे जीव राशियों को पालन पोषण करने वाले होते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में अनेक लोगों को जानकारी नहीं है, कभी कभी कुछ देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं, भगवान कृष्ण की पदवी को जानते नहीं है, इसे बोलते मुह्यंति यत् सुरैः, बताया गया है, नमे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। भगवान बताते हैं कि मैं सब देवताओं के स्वामी हूँ, कभी कभी देवता भी भुलक्कड़ हो जाते हैं, जैसे इंद्र के एक बार भूल गया, ब्रह्मा भी एक बार भूल गए, ऐसे कुछ कभी भूल जाते हैं। इसलिए युधिष्ठिर की इच्छा थी कि कृष्ण को अग्र पदवी
देकर, अग्र पूजा के पद भी देकर सब सारी दुनिया के समक्ष सब देवताओं को भी स्वागत करेंगे, क्योंकि ऐसे कुछ हम यज्ञ करेंगे खास सारे दुनिया में बड़े बड़े देवी देवता भी आ जाएंगे उसमें, सब राजा लोग आएंगे, सब VIP सेक्शन भर जाएगा पूरा, इतने बड़े बड़े लोग आ जाएंगे, उनके समक्ष कृष्ण की घोषणा करना चाहिए कि ये परम सत्य है। सब ऋषि मुनि आकर भगवान की गुणगान करेंगे, फूल बरसाएंगे भगवान के ऊपर, अभिषेक करेंगे भगवान को, ये उनकी इच्छा थी। किसकी? हाँ, किसकी? युधिष्ठिर महाराज की। तो ये इच्छा थी, वो राष्ट्र यज्ञ करना चाहते थे, ना कि दुनिया के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, देखो कौन कर रहा है राष्ट्र यज्ञ, हम समझ लो हम कौन है, ऐसे ऐसी भावना नहीं था उनका, कुछ करके दिखाना ऐसा कुछ नहीं था उनका, कि भगवान की गुणगान होनी चाहिए, ये भावना से उन्होंने आयोजन की। इसलिए तो सब राजा उनको सलाम मारकर उनकी सेवा करने के लिए तैयार हो चुके थे, जो धार्मिक राजा थे। लेकिन जो अधार्मिक राजा लोग जो थे, वो लोग जरासंध के पक्ष में जुड़ गए उसके साथ, इसलिए उसका आक्षेपणी बढ़ गया बहुत। ऐसे भी लोग हैं ना, क्योंकि आप देखेंगे इस दुनिया की शुरुआत से दो तरह के लोग हैं, आसुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति। द्वौ स्वर्ग भूत एतस्मिन् दैव आसुरयेव च देवो विस्तरशः प्रोक्तः पार्थ आसुरम संपदम। भगवान बताते कि हे अर्जुन, मैं दोनों बताऊंगा तुमको, आसुरी संपद दैवी संपद, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम दैवी संपद वाले हो। क्योंकि अर्जुन डर गया है अध्याय को देखकर, सोचा कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं बड़े असुर हूँ, क्योंकि इतना वध करने के लिए जा रहा हूँ युद्ध रणभूमि में। भगवान ने बोला, तुम असुरी प्रवृत्ति वाले नहीं, तुम तो मेरे बात मानकर चलने वाले हो, इसलिए तुम दैवी संपत्ति वाले हो। फिर भी असुरी संपत्ति वालों के बारे में जानो, क्योंकि परपक्ष जो है कौरव सेना में, उधर अनेक असुरी प्रवृत्ति वाले जुड़े हैं, आप उनको वध करने में पाप नहीं है आपका, क्योंकि इसके बदले आप धर्म को स्थापन के लिए इस तरह असुरों को मिटाना होता है, इसलिए तुम रणभूमि में युद्ध करने के लिए हिचकिचाओ मत। ये बताने के लिए भगवान दोनों दैव आसुर ये बच्चा दोनों के बारे में बताते हैं भगवान। तो दैवी लोग जो होते हैं, उनका स्वभाव क्या है? सर्वप्रथम विष्णु भक्त सुतो दैव आसुर स्तर की पर्याय बताया गया, विष्णु की बात मानने वालों को दैवी संपद बोलते हैं, विष्णु की बात को ना मानने वालों को आसुरी संपद बोला गया। जैसे भगवान विष्णु बताते हैं, गाय को माता के सदृश संभालो उसको प्रेम के साथ, और दूध जो देते हैं उसको भगवान को अर्पित करके पियो, और घी तैयार करके उसको यज्ञ में डालकर यज्ञ भी करो इत्यादि। लेकिन ये करने के बदले आसुरी प्रवृत्ति लोग क्या करेंगे? गाय को काटेंगे वो लोग, एकदम विरुद्ध है। इस तरह आप देखेंगे भगवान जो बोलते हैं, उत्तर बोलेंगे तो वो लोग दक्षिण बोलेंगे, पूर्व बोलेंगे तो पश्चिम बोलेंगे, ऐसे एकदम विरुद्ध करने वाले होते हैं। तो एक लीला आप लोगों ने सुना होगा, देवता लोग और असुरों के बीच में दोनों साथ में आकर एक समुद्र मंथन लीला किया, करेक्ट है ना? एक पक्ष में असुर लोग थे, दूसरे पक्ष में देवता लोग थे, और भगवान विष्णु ने दोनों को साथ में लाकर समुद्र मंथन करके अमृत निकाला, करेक्ट है ना? वो लीला बहुत लंबा चौड़ा लीला है, लेकिन संक्षिप्त रूप में उसमें से एक सबक मैं बताना चाहता हूं। इधर शुरुआत में भगवान ने देवताओं को बोला कि ना भेतव्यम कालकूटात विषाद जल संभवात, उन्होंने बोला कि देखो देवताओं, वो प्रोजेक्ट में आपको अनेक समस्याएं आएंगे, लेकिन कभी भी प्रोजेक्ट को छोड़कर भाग नहीं जाना। उन्होंने बोला कि विषाद जल संभवात कालकूटात, बोला कि कालकूट नाम का एक विष आएगा, लेकिन विष को देखकर आप भाग मत जाना, आप ठहरना, क्यों? मैं आयोजन करूंगा उस विष को मिटाने के लिए। कैसे? शिव जी को बुला लेंगे, शिव जी उसको पी लेंगे, उसके बाद विष मिट जाएगा, लेकिन विष को देकर भाग मत जाना, पहले से भगवान ने बोल दिया। इस तरह आप देखेंगे हम लोग भक्ति मार्ग में जुड़ते हैं, ऐसा नहीं कि भक्ति मार्ग में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, सब लोग आपको आंचा कल्प तरूपे सब दंडवत प्रणाम करेंगे, सबको सब लोग प्रेम करेंगे, हमेशा प्रसाद देते रहेंगे, हमेशा आपको प्रेम देते रहेंगे। एक भक्त प्रपद के शिष्य, उन्होंने एक सॉन्ग एक गीत लिखा था, पहला दिन मैं आश्रम में ज्वाइन किया, मेरा चप्पल चोरी हो गया, ऐसे लिखा उन्होंने।
दूसरा दिन प्रातः काल में मैं नहाने के लिए उठा, मेरा गमछा चोरी हो गया, ऐसे बोला उसने। और बोला कि बाद में मैं प्लेट तैयार करके लॉकर के नीचे रखा था, नहा धोकर आया, प्लेट चोरी हो गया। तो बोले कि मैंने सोचा अरे क्या भक्तों का जीवन है, छोड़कर चले जाओ। दरवाजे तक गया, बाद में एक साक्षात्कार हुआ मुझे, अरे भक्तों के संघ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जितना भी तकलीफ हो भक्तों के संग में ही रहना चाहिए हमको, जो लगे रहेगा उसको भगवत नाम जरूर प्राप्त होगा, लेकिन जो छोड़कर चला जाएगा उसको भक्ति में रुचि भी छूट जाएगा उसका। अगर हमको भक्ति में रुचि चाहिए, देखिए अगर आपको एक गुलाब चाहिए तो वो कांटों के बीच में ही मिलता है वो। अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं कांटा हो तो हमको गुलाब नहीं चाहिए, तो गुलाब भी नहीं है, कांटा से बच के लेकिन गुलाब भी नहीं मिला आपको। इस तरह आप देखेंगे वैष्णव के बीच में रहते समय इस दुनिया में अनेक नवसिक्या वैष्णव लोग जुड़ते हैं। शुरुआत में नवसिक्या मतलब क्या बोलते हैं, नियो फाइट 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 नियो फाइट, थोड़ा फाइट करेंगे, लेकिन जो सहन करके उस संघ में रहता हो उसको लाभ ही लाभ है। तो गीता में भगवान 2.14 में बताते हैं, भगवदगीता के सेकंड अध्याय में, कि अर्जुन इस दुनिया में द्वंद्व होते ही हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी जय कभी पराजय, कभी मान कभी अपमान, कभी लाभ कभी अलाभ, कभी जीत कभी घुटना, इस दुनिया में द्वंद्व होते ही रहेंगे, उसी से बदलते रहेंगे, आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन कभी भी मत छोड़ कर मत जाओ। वही भगवान ने बोला देवताओं को, आप लोग छोड़ कर मत जाओ कभी तकलीफ हो। दूसरा चीज उन्होंने बोला कि अनेक पुरस्कार आएंगे, समुद्र मंथन लीला में बोला तो भेंट आएंगे अनेक, जैसे उच्चेश्वरवा नाम का एक घोड़ा आया, ऐरावत नाम का एक हाथी निकला, इस तरह मणि भी निकले, इस तरह वरुणी नाम की एक सुंदर लड़की निकले, रमा नाम के एक सुंदर लक्ष्मी जी निकले, अच्छा अनेक चीज प्राप्त हुए हैं, जैसे कौस्तुभ मणि निकला समुद्र मंथन में। तो भगवान ने बोला कि ये सब भेंट जब निकलेंगे तुमको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके पीछे मत भागना, अगर मैं दूंगा तो स्वीकारना, अगर मैं नहीं दूंगा तो चुपचाप रहना। इसका मतलब है जो मैं देता हूं आपको वो आपके लिए उचित है, जो मैं नहीं देता हूं आपके लिए अनुचित है, मान लेना। ये दूसरा बात बोला उन्होंने, पहले बोला भय को छोड़ दो, दूसरा बोला काम को छोड़ दो, तीसरा बोला उन्होंने लोभ को छोड़ दो। लोभ से हम लोग क्या करते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं, अरे इसको 4 पहिया वाला गाड़ी दिया है 4 व्हीलर और मेरे लिए 2 व्हीलर दिया है, क्यों क्यों, क्योंकि उसकी सेवा के लिए 4 पहिया वाला गाड़ी चाहिए, तुम्हारी सेवा के लिए 2 व्हीलर चाहिए, बस इतना ही कारण, दूसरा कुछ कारण नहीं है। कभी कभी हम तुलना करते हैं, अरे वो इतना उन्नत हो गया, नहीं नहीं हुआ उसके टांग खींचो, इस तरह मत सोचो। अगर देवताओं को असुरों को कुछ भेंट प्राप्त हो जाता है उसको देखकर तुम्हारे हृदय में जलन नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए जो उचित है मैं दूंगा आप, इसलिए तुलना मत करो, लोभ को छोड़ दो, ये बोला। और चौथा बोला उन्होंने, वो असुरों के साथ कभी भी नाराज मत हो जाओ, क्योंकि तुम उनके साथ नाराज हो जाओगे आप दोनों पहले से समस्या है आपका, है देवताओं का असुरों का, क्योंकि वो आप लोग गाय के दूध पीते हो और वो लोग गाय को काटते हैं, और आप लोग मेरे बात को मानते हो और वो लोग मेरे विरुद्ध चलते हैं, और आपके अंदर सत्वगुणी प्रधान है आप लोग और वो लोग रजोगुणी तमोगुणी प्रधान है, और सोशली डिफरेंट साइकोलॉजिकली डिफरेंट बहुत फर्क है, इसलिए मेरे मुझे आप खुश करना चाहते हो संस्कृत हरितोषणम, तो आप उनके साथ मिलजुल कर ये प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहिए। अगर दूसरे लोगों में दोष भी क्यों ना हो उस दोष आरोपण मत करो, खुद को देखो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे गुरु महाराज जब पुणे एयरपोर्ट में प्लेन पकड़ने के लिए जा रहे थे, मैं गया था साथ में, तो एयरपोर्ट में महाराज को पूछा, महाराज आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना है क्या मुझे, महाराज बोले कि तुम्हारे भारत में गांधी जी ऐसे एक चरित्रवान आदमी है, मैं पसंद करता हूं उनको, उनका एक स्टेटमेंट मुझे सबसे अच्छा लगा, महाराज बोले यू बी द चेंज व्हाट यू वांट टू सी इन अदर्स,
अगर तुम दूसरों में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हो, वो उनमें परिवर्तन लाने के यत्न मत करो, तुम में उस परिवर्तन लाओ। अगर तुम में परिवर्तन लाते हो, तुम्हारे आदर्श उदाहरण को देखकर बाकी लोग भी बदलने की संभावना है। लेकिन दुनिया को सुधारना मुश्किल है, हम खुद को सुधारने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हम खुद के को सुधार कर हम एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, हो सकता है कि वो लोग प्रभावित होकर हम जो सिखाएंगे उसको मानेंगे वो लोग। अगर नहीं मानेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना अच्छा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करके निकल जाने का है बस। तो यू बी द चेंज वॉट यू वॉन्ट टू सी इन अदर्स। महाराज बोले कि ये तुम इसको मन में याद रखो, ये बहुत अच्छा उपदेश है। गांधी ने जो बताया, यही शास्त्र भी वही बताते हैं हमको, ऐसे महाराज बताए। तो भगवान ने यही बोला कि तुम नाराज मत हो जाओ दूसरों से। भगवान ने बोला नाराज होने से काम नहीं होता, ऐसे बोला उन्होंने। जैसे उस जमाने में लोग गांव में कुछ झाड़ में जाकर मलमूत्र विसर्जन करते थे, करेक्ट है ना? अलग अलग झाड़ होता है, हर एक स्थान होता है किधर जाना है गांव में। अगर आप गांव वाले हो तो आपको मालूम होगा, हर व्यक्ति का एक ही प्लेस होता है, उधर ही जाएगा रोज सुबह को, कोई उधर डिस्टर्ब नहीं करेंगे उसको, है उधर उसका तो जाएगा। और निकट एक तालाब रहता है, उधर सफाई करने के लिए वो तालाब है, नहाने के लिए नहीं, सिर्फ क्लीनिंग के लिए उधर से पानी लेते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उस तालाब से नाराज हो गया, बोलता है कि मैं पानी तुमसे नहीं लूंगा आज, तो नुकसान किसको है? तालाब को नुकसान है, उसको नुकसान है, करेक्ट है? तो उसका बात आएगा, दुर्गंध आएगा, साफ नहीं किया वो मलमूत्र करने के बाद। इस तरह हम इस्कान से अगर हम नाराज हो जाएंगे, नुकसान इस्कान को नहीं, किसको नुकसान है? हमको नुकसान, क्योंकि इस्कान आप देखेंगे एक दिन अगर आप 4:30 के बदले 4:45 बजे आओ, मंगलाती ऑलरेडी चालू हो गया, किसी का अनुभव है? काट 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 इस्कान का गाड़ी चलता रहता है। अगर मंगलाती के लिए आए मरे कुछ परवाह नहीं, वो चलता रहेगा। भगवान के शिव विग्रह रहेगा, प्रभुपाद जी रहेंगे, किताब में रहेंगे, संस्था चलता रहेगा। हम छोड़कर गए तो नुकसान हमको है, इस्कान को नहीं। कोई बोलेगा अरे इस्कान में पॉलिटिक्स, हम नहीं जुड़ने वाले हैं, चले जाने वाले, चले जाओ, सफाई नहीं किया तुम्हारा, तुम्हारा जैसे कि वैसे रह जाएगा, दुर्गंध। इसलिए इस तरह का आश्रय को हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो भगवान ने बोला नाराज मत हो जाओ, नाराज होने से नुकसान तुमको है। इसलिए तृणादपि सुनिश्चयेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदाकर। देखिए एक हमारे भक्त बाइक चला रहा था, बाइक चलाते चलाते देखा कि सामने एक ट्रक आया, लेकिन ट्रक चलाने वाला लगा कि वो पिया हुआ है। क्यों? वो जैसे सर्प जैसे चला रहा, खड़े ऐसे चला रहा है, वो ऐसे आ रहा है। तो तुरंत ये क्या क्या एक गली था, गली के अंदर चला गया है, वो लारी गया आगे। तो वो अपने मित्र को बता रहा था, मित्र ने बोला कि अरे हम तो सही डायरेक्शन में, हम तो लेफ्ट में हैं, वो आदमी भी उसके लेफ्ट में रखना चाहिए गाड़ी, ऐसे उसके फ्रेंड बोल रहा था। वो बोला कि अरे वो पागल है, पिया हुआ है, उसको अकल नहीं है, तो इसलिए हम हट गए। हम बोला ओके तुम आगे जाओ, हम पीछे हट जाते हैं। इस तरह अगर कोई तीन गुणों के वश में आकर मदान तो हो गया, कोई गर्वी हो गया, नहीं तो चार त्रुटियों के कारण, तीन गुणों के कारण, काम क्रोध लोभ मद इत्यादि के वश में अगर कोई जीव आ जाता है, वो हमको क्रोध करता है, नाराज होता है, हमसे चिल्लाता है, चीखता है, हमें उनके ऊपर अनुकंपा दिखाना चाहिए, सोचना चाहिए कि अरे बेचारा जीव व्याधिग्रस्त है, वो दुख से पीड़ित है, मैं भी नाराज हो जाऊंगा इसके साथ तो कुछ काम नहीं होगा। अब इस्लाम में अनेक नवसिख के भक्त आते हैं, उनके द्वारा काम करवाना हो, सेवा करवाना हो, भगवान के तक सेवा को पहुंचाना हो, सब तरह के लोगों के साथ हमको डीलिंग करना होता है। कोई नाराज हो जाता है, कोई अहंकार का वश में आता है, कोई दूसरों के साथ थोड़ा झगड़ालू होता है, अलग अलग। लेकिन शुरुआत में ऐसा होता है, लेकिन उनको सेवा में लगाओ, उनका भी शुद्धिकरण हो जाएगा, हमारा सेवा भी हो जाएगा, मंदिर का भी, तो उनका भी उन्नति होगा, सेवा भी होगा। अगर हम लोग एक दूसरे को झगड़ा करके हम निकल जाते हैं तो भगवान की सेवा भी नहीं होगा, खुद के शुद्धिकरण में नहीं होगा। तो दोनों चाहिए, इस दुनिया में प्रभुपाद की मिशन चलते रहना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला कीप द व्हील मूविंग और स्टॉपिंग मूविंग,
गुड्स गुड्स गाड़ी देखा आपने, गुड्स जाता है ना, उसका व्हील चलते रहना चाहिए, रुक जाना चाहिए। अगर वो स्टेशन मास्टर के साथ कुछ झगड़ा करता है, वो अरे तुमने रेलवे गेट क्यों नहीं बंद किया, गुड्स गाड़ी हम आ रहे हैं, और वो कुछ बोलेगा कि अभी दोपहर के टाइम कोई नहीं आता है इसलिए मैंने बंद नहीं किया, वो बोलता। अगर दोनों झगड़ा कर रहे हैं तो गुड्स गाड़ी का व्हील रुक जाता है, इतना गुड्स माल पहुंचाना है, इसलिए झगड़ा करना भी है तो गुड्स गाड़ी को चलाते चलाते झगड़ा करना चाहिए, और चलाते चलाते ऐसे आगे चला जाना चाहिए। अगर हम नीचे उतर जाओगे, गुड्स गाड़ी को रोक दिया, तो काम नहीं होगा, संस्था नहीं चलेगा ना। अगर जो भक्त सोचता है कि प्रभुपाद की संस्था में रुकावट नहीं आना चाहिए, बोलिए कितने नंबर लगता है, तो आप ही नंबर बन सकते हो। ओनली वन हु डज नॉट वॉन्ट प्रभुपाद मिशन टू स्टॉप, ओनली ही कैन बिकम हम्बल। बाकी लोग अहंकार के वश में आकर तोड़ फोड़ करके निकल जाएंगे। इसलिए भगवान ने बोला, भयभीत मत हो जाओ, कामुक मत हो जाओ, लोभ मत करो, और लास्ट में क्या बोला, क्रोध क्रोधित मत हो जाओ। सब देवताओं ने भगवान को बोला कि हम जरूर आप जो बोलेंगे हम करेंगे, तैयार हो गए थे वो सब लोग। बाद में आप देखेंगे असुर लोगों ने अनेक गलत किया, लेकिन देवता लोगों ने गलत नहीं किया। एक बार ऐसे असुर लोगों को भगवान ने पूंछ दिया था, देवताओं को मुख दिया था, ये वासुकी का, जब वो लोग कर रहे थे गड़ा 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 कुड़ 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 गड़ा 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 कुड़ कर रहे थे ऐसे ऐसे समुद्र में, अचानक एक असुर को लगा कि तुरंत उसने बोला, हे असुरो प्रोजेक्ट को रोको अभी, क्यों? वो बोला कि ये पुच्छम अमंगलम, अरे सर्प के पूंछ को दे दिया हम लोगों को, और देवता लोगों को क्या दिया, मुंह दिया, मतलब उनको सामने का सेवा दिया, हमको पीछे का सेवा दिया, उनको लाइमलाइट सेवा दिया, हमको बैकग्राउंड सेवा दे दिया, हम ट्रैक में चले जाएंगे, छोड़ दिया पूंछ उन्होंने, बोला कि हम वी आर क्विटिंग द प्रोजेक्ट, ऐसे बोले। कब भगवान विष्णु आए सामने, देवताओं को बोले कि ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, क्या किया जाए। देवता लोगों को पूछा भगवान ने, क्या आप तैयार हो पूंछ के साइड आने के लिए? देवता लोग बोले, हम तो आपके हैं, आप बोलेंगे पूंछ पकड़ो तो पूंछ पकड़ेंगे इसकी, वासुकी की, मुंह पकड़े बोलेंगे तो मुंह पकड़ेंगे, अगर निकल चलो तो निकल जाएंगे, ठहरो तो ठहरेंगे, हम किसके दास हैं? आपके दास। देवता लोग ऐसे बोले, भगवान ने बोला, शाबाश, ऐसे ही सेवक चाहिए जो एकदम पक्का अनुचर है, पक्का फॉलोअर। तो भगवान बोला, ठीक है आप लोग चलो पूंछ के साइड, तो लोग पूंछ के साइड चले गए। असुरों को बोला, असुरों को आदर पूर्वक बोला कि आप लोग इधर आ सकते हो क्या, आपको मुंह चाहिए था ना वासुकी का, उस साइड में आ जाओ। हाँ अभी हम आएंगे, बिकॉज यू अग्रीड टू वर्क ऑन आवर टर्म, आपने हमारी बात माना ना, इसलिए हम सहमत होंगे। ऐसे बोलते ही असुर लोग आ गए मुख्य साइड, वापस प्रोजेक्ट चालू हुआ, खड़ा 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 चालू हुआ, तो अचानक वासुकी उल्टी आ गया करके वो धुआं निकलने लगा, इतना तेज से निकलने लगा, बहुत गर्म गर्म था, जहरीला भी था, तो वो सबके चेहरे में आने लगा। किसके चेहरे में? क्योंकि देवता लोग पूंछ के साइड में थे, ये लोग मुख्य साइड। सब असुर चिल्लाने लगा, अरे मूर्ख लोग, आपने मुंह क्यों मांगा? क्योंकि सर्पे के पूंछ से कुछ नहीं निकलता, ये तो मुंह से निकलता है। तो दूसरे असुर ने बोला, ठीक है मैंने ही मुंह मांगा, लेकिन तुम क्यों इतना मूर्ख हो, तुम भी मान लिया उसको। ऐसे आपस में झगड़ा कर रहे थे वो। वापिस बोला, अभी हम प्रोजेक्ट को छोड़कर चले जा रहे हैं, छोड़ दिया उसने। तब भगवान विष्णु बोले, अरे अरे रुको रुको, आप लोग थोड़ा 5 मिनट रुको, मुख से कुछ दुआ नहीं निकलेगा, मैं ऐसे कुछ आयोजन करूंगा। भगवान ने बोला, कैसे? भगवान ने वासुकी को सुला दिया, असुरों को रजोगुण दिया, देवताओं को सत्वगुण दिया, चलो प्रोजेक्ट चालू करो। तो इस तरह देखते हैं, असुर लोग छोड़कर जाने वाले थे 2-3 बार, लेकिन देवता लोग कभी छोड़े नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान की बात मानकर चले वो। बाद में अनेक भेंट निकलने लगे समुद्र से, हा? तो सुंदर सुंदर बेंट निकल रहा था, असुर लोग बाघ दौड़ करके एक एक करके पकड़ कर लेके जा रहे थे, तो देवता लोग देख रहे थे, आपस में बातचीत करते, अरे देखो 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 नया और एक निकला, उसको भी लेके जा रहा है, और एक देखो वो भी लेके जा रहा है, ये भी गया। तो कुछ कुछ देवता बोल रहे थे, अरे हमको कुछ नहीं मिलने वाला है,
हम तो विष्णु की बात मांगकर चल रहे हैं अभी। उन्होंने बोला किसी चीज को के लिए काम भी, कामुक भावना को छोड़ दो, लोभ भी मत करो और नाराज भी मत हो जाओ। अरे हम लोग को नाराज क्रोध आ रहा है, लेकिन उनको दबाना पड़ेगा उसको, क्योंकि विष्णु ने बोला है क्रोध मत। जब हम भक्तों के बीच में रहते हैं, कभी क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, झगड़ा करने की प्रवृत्ति आएगा, लेकिन तुरंत गुरु के श्री चरणों को स्मरण करना चाहिए। अगर मेरे गुरु महाराज सामने होते तो क्या मैं झगड़ा करूंगा मैं है? अगर मेरे समक्ष खड़े हैं सामने, गुरु के सामने आवाज एकदम बहुत नरम हो जाता है। एक बार एक पुना में गुरु जी आए थे, तो जब गुरु जी आते हैं सब भक्त लोग बाहर आकर नाचते थे, गुरु को हार पहना देते थे। तो गुरु पूजा चल रहा था, गुरु पूजा में देखा जो दो भक्त जो वो मंगूस और सर्प के बराबर है, ऐसे झगड़ा करने वाले दो, वो दोनों साथ में नाच रहे हैं। जब गुरु आए थे दोनों का आनंद बढ़ गया, दोनों का दोनों भूल ही गए। मुझे तुरंत याद आया कि बाघ और हिरण चतुर महाप्रभु के कीर्तन में नाच रहे थे ना, ऐसे ही जब गुरु जी आकर गाना गाया तो उनके दो शिष्य जो चेहरे भी नहीं देखते थे वो दोनों नाच रहे थे साथ। तो मतलब महान भक्तों के उपस्थिति में आप देखेंगे वैरी भावना मिट जाता है। प्रणय सर्ग दुर्वैरासहा चंद्र मृगादय मित्राणी अजिता वास तर्षकादिकम। ब्रह्मा जी बताते हैं अत्र नैसर्ग दुर्वैरा, नैसर्गिक रूप से जो प्राणी आपस में लड़ते हैं वो भगवत धाम में लड़ते नहीं है। जैसे बाघ और हिरण साथ में पानी पीते हैं यमुना में, क्योंकि तो बाघ भी वेजिटेरियन होता है उधर, वो भी दूध ही पीता है बाघ भी भगवत धाम में। कोई भी किसी को खाता नहीं उधर, सब लोग शांत स्वभाव के होते हैं उधर। तो इस तरह भगवान के वचन बद्ध होकर देवता लोग शांत रहे, सहन कर लिया। तो कुछ कुछ चीजों को भगवान ने देवताओं को भी दिया, जैसे ऐरावत को दिया, इनको इंद्र को दिया भगवान ने। तो बाद में हलाहल जब आया सब लोग डर गए। भगवान ने शिव जी को बुलाकर उनको बोला, शिव जी ने उसको दिया। अंत में क्या हुआ, असुरों का एक गलत भावना था, उनके मन में क्या विचार था, जब अमृत का कलश निकलेगा उस समय हम देवताओं को धोखा दे देंगे, हम पूरे के पूरे अमृत कलश उठाकर लेके जाएंगे और हम भोगेंगे उसको। ये उनका योजना था, इसलिए तो वो जुड़े थे। वो इस तरह हर एक इंसान इस दुनिया में स्वार्थी होता है, वो सोचता है कि एक बार एक व्यक्ति बोला कि तुम शंखदाना लेके आओ, मैं शंखदाना का कवर लेके आऊंगा, कवर मालूम है उसके ऊपर एक कवर होता है, वो दुकान में ऐसे ही पड़ा रहता है, उसको उठा कर इतना लेके आया। बोला कि हम दोनों को मिलाएंगे करके हम खाएंगे, ऐसे बोला। तो मतलब क्या है, शंखदाना हिलाने के लिए पैसा लगता है, शंखदाना का कवर होता है वो मुफ्त में मिल जाता है। इसका मतलब है तुमको उल्लू बनाऊंगा, वही बात है ना। इसका मतलब क्या है, अनेक इस दुनिया में इंसान स्वार्थी होता है कि सोचता है कि दूसरे को धोखा देकर मैं भोगूंगा, ये भावना है। तो यही भावना था असुरों का, असुर ने सोचा कि देवताओं का सहारा लेंगे, जब अमृत कलश आएगा उनको लात देकर भगा देंगे, क्योंकि वो कमजोर लोग हैं, और हम उसको लेकर जाएंगे और हम भोगेंगे, ये भावना था उनकी। तो ऐसे स्वार्थी लोग अपने को बड़ापन करते हैं, अपने बड़ापा बताते हैं हमेशा। तो क्या हुआ, धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले बाहर, तुरंत असुर लोग उनका लीडर एक था करके उसको छीन कर भागने लगा। क्या भगवान के विष्णु के हाथ से कोई छीन सकता है क्या? अगर कोई छीन सकता हो तो भगवान को लीला है, भगवान ने भी छोड़ दिया है। कभी कभी पिताजी और बेटे के बीच में भी कुछ पर्दा होता तो पिताजी हार जाते हैं, कभी देखा ना आपने, बच्चे की खुशी के लिए। इस तरह भगवान ने सोचा ठीक है असुरो, आपको छीन कर जाना है ना, ले लो देखेंगे अभी क्या होता है। तो भगवान ने उनको छोड़ दिया छीन कर लेके जाने के लिए। बाद में असुरों के बीच में भी बड़ा झगड़ा हो गया, कुछ असुर मोटे असुर थे, कुछ लोग पतले असुर थे, उनके बीच में झगड़ा हुआ। तो वो मोटे असुर बोले कि जिसके पास शक्ति है वो ही खा सकता अमृत, और जो क्षीण थे असुर लोग पतले असुर थे वो बोले कि अरे बांट कर खाओ, वो कम्युनिस्ट असुर थे वो है? और जो मोटे असुर थे वो कैपिटलिस्ट असुर थे, और दोनों बोल गए कि अमृत कलश किसका है, किसका
किसका है? भगवान का है। वो भूल गए दोनों, दोनों बोल रहे हैं कि मैं कहूंगा, मैं कहूंगा। और पतले असुरों ने बोला, अरे एक हाथ दे दो मुझे, बाकी सब तुम कहो। वो बोला, हम क्या बोल रहे हैं, हम एक हाथ ले लेंगे, बाद में तुमको देंगे। लेकिन सबका मत ऐसा था कि हम जितना हो सकता है उतना ज्यादा पिएंगे। स्वार्थी लोग थे असुरों के पक्ष में। लेकिन देवता लोगों ने देखा कि गया भी अमृत कलश, लेकिन भगवान क्या करेंगे उनको पता है। भगवान को, उनको पूरा विश्वास था कि भगवान के ऊपर कोई नहीं है, भगवान के बराबर कोई नहीं है। तो भगवान ने वचन दिया है, भगवान कभी वचन को तोड़ते नहीं है। तो देवताओं को श्रद्धा थी उसके ऊपर, जिसके मतलब है भक्त है, भक्त है। और देवता का मतलब है भगवान के वचन के ऊपर उनका श्रद्धा है उनको। तो भगवान ने क्या किया, अपने आप को एक सुंदर एक मोहिनी के रूप में उनके सामने आया, एकदम खूबसूरत मोहिनी। उनकी आंखें चमक रही थी, काले जैसे लंबे काले बाल थी, अच्छे अच्छे आभूषण पहनी थी वो। ऐसे बांधकर पांव में नूपुर बांधकर, अच्छा जब सामने आई, हम असुर आवाज सुनते तुरंत उस दिशा में मुड़कर देखा, अरे किधर से ऐसे मधुर आवाज निकल रहा है। साहब देखा कि उसकी खूबसूरती को देखकर बड़े तिरछी नजर से उसने सब असुरों को देखा एक एक करके। सब असुर सोचे कि शायद मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरे साथ विवाह करेगी। सब जेंटलमैन हो गए उसके बाद। जिसके हाथ में अमृत कलश था वो भी जाकर उसको दे दिया, बोला कि देखो मोहिनी, हम सब लोग झगड़ा कर रहे हैं, तुम ही बंटवारा करो हम सबको। वो बोली, मैं तो अकेली चल रही हूँ, एक वेश्या जैसे अकेली चल रही हूँ, मेरे पिता भी नहीं पति भी नहीं, तुम लोग मेरे ऊपर कैसे विश्वास रखा आप पुरुष लोगों ने। और उसने बोला, ठीक है देखो, मुझे बंटवारा करना तो मैं कुछ भी करूंगी, चलेगा क्या? सब लोग बोले चलेगा चलेगा, क्योंकि सबने सोचा कि उसके सामने सज्जन होना चाहिए, नहीं तो विवाह नहीं करेगी बाद में। ऐसे सोचकर सब लोग मान लिया। उसके बाद क्या किया उन्होंने, सबको बोला, सब लोग नहा धोकर आकर बैठो पंक्ति में, असुरों को बिठाया एक और, देवताओं को बिठाया उधर, सब देवताओं को परोस दिया उन्होंने। असुरों को सिर्फ नूपुर का आवाज दिया बस। हाँ, परोसना किसको दिया, किसका क्यों? उसके अंत में एक श्लोक आता है, क्योंकि देवता लोग कभी भी भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं किए, भगवान के आदेश को माना, इसलिए उनका अमृत मिला। असुर और देवता लोग का प्रोजेक्ट एक ही था। आप देखेंगे दोनों समुद्र मंथन लीला किया, मंदर पर्वत भी एक ही था, वासुकी भी एक ही था, समय भी एक ही था, सब कुछ एक समान था। लेकिन एक चीज में फर्क था, क्या फर्क था, देवता लोग भगवान की बात मानने वाले थे, लेकिन असुर लोग भगवान की बात मानने। अभी देखिए भगवान की बात हम लोग जानते नहीं, भगवान की बात कौन है, गुरु है, तो गुरु की बात मानना चाहिए। हम बोलेंगे गुरु को भी बोलेंगे, नहीं नहीं आप जो बोल रहे हैं हमको पटेगा नहीं है, हम मान नहीं सकते हैं, जमेगा नहीं हमको। गुरु को भी हम बोलेंगे तो किधर जाएंगे आप, क्योंकि इस दुनिया में बुद्धिमान लोग जानते हैं कि माया भी छूटता नहीं, भगवान के पकड़ में नहीं आते है? दोनों मुश्किल है, माया से छूटना भी मुश्किल है, भगवान को पकड़ना भी मुश्किल है। लेकिन एक व्यक्ति है जो माया से भी छूट गया, भगवान को भी पकड़ लिया, भगवान के चरणों को, कौन है, वो गुरु है, इसलिए उनको पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे निकट है, भगवान दूर है। इसलिए अगर गुरु है हमारे पास, गुरु के आदेश है, उसको हम पालन करते हो, बस भगवान प्राप्त हो ही जाएंगे। ऐसे प्रसादात भगवान प्रसाद, ऐसे अप्रसादात नगति। इसलिए गुरु के बात को कभी नकारना नहीं चाहिए। तो और हरि गुरु वैष्णव के बीच में रहते समय उनको आदर देकर उनके आदेशानुसार हमारे जीवन चलाएंगे, हमको भी अमृत कुमार कृष्ण भावना प्राप्त होगा जरूर, उसमें लेश मात्र भी शंका नहीं। और बाकी लोग असुर जैसे धोखे खाएंगे, चले जाएंगे। तो ये लीला मैं क्यों बोला आपको, आज हम पढ़ रहे हैं उन राजाओं के बारे में। ये राजा लोग जेल में जो थे जरासंध के, उनका गलती क्या था मालूम है आपको, ये सारे दुनिया में कोने कोने में अलग अलग प्रदेश के राजा थे ये लोग, लेकिन अपने अपने प्रदेश में ये लोग तृप्त नहीं थे।
ये लोगों ने सोचा कि पड़ोस के राजा को उड़ा देना चाहिए और उसके भी राज्य को कब्जा कर लेना चाहिए, उसके धन दौलत। अभी एक राजा दूसरे राजा को पराजित क्यों करना चाहता है? करने के बाद क्या करेगा, उसके सब संपत्ति को लूट लेगा, उनके सब लोगों का अपना गुना गुलाम बना लेगा, गुलाम बनाकर उनके ऊपर स्वामित्व जमाएगा, करेक्ट ना? और इस उसका उसका राज्य को भी एक्सपैंड करता है। जैसे अभी नाटो, नाटो के पास कितने देश हैं? 56 हैं, 56 नेशन साथ में आकर नेटो बनाया है। तो यूएस बोल रहा है उक्रेन को भी, तुम भी ज्वाइन करो नेटो के साथ। उक्रेन तैयार है, लेकिन कौन तैयार नहीं है? रशिया तैयार नहीं। रशिया बोल रहे हैं, अरे आप लोग तो हमारे फ्रंटियर में हो, सीमा में हो, आप नेटो में ज्वाइन करोगे बाद में कुछ प्रॉब्लम होगा, हमको हमारे बॉर्डर कमजोर हो जाएगा, इसलिए आप उधर में ज्वाइन करो, हमारे साथ रहो, वो बोल रहे। तो लग रहा है कि युद्ध है उक्रेन में, लेकिन उसके पीछे दो बड़े पार्टी हैं, एक रशिया है एक अमेरिका है। दोनों छोटे को बोल रहे हैं, ए इधर ज्वाइन करो, इधर ज्वाइन करो, हमारे पास आओ, बताए इधर आओ, इधर आओ, दोनों खींच रहे हैं ऐसे हैं। उक्रेन पूछ रहे क्या कर, क्या किया जाए, बीच में दोनों खींच रहे हैं उसको। तो इस तरह दुनिया में देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, असली प्रवृत्ति वाले इस दुनिया में पहले वो क्या अच्छा करते हैं, मेरे पास जो भी लोग हैं सब मेरे बात मानना चाहिए, कोई बात नहीं मानेगा बता दूंगा उसको। जैसे हिरण्यकशिपु त्रिलोक का अधिपति बनना चाहो, तब एक छोटा 5 वर्ष का बालक बोल रहा है कि नहीं, हम हिरण्यकशिपुवे नमः हम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ओम नमो नारायणाय, वो मंत्र बोलेंगे। सोचा कि इस बच्चे को सुधारना पड़ेगा, या तो सुधारो नहीं तो मारो, ये प्रोग्राम था उसका हिरण्यकशिपु का। आप देखो पहले तो वो लोग ऐसे लोगों से अपने आप को घेर कर रखते हैं, जैसे रावण हो, कंस हो, सब यशमैन चाहिए उनको। यशमैन का मतलब है एफआर, चापलूसी करने वाले चाहिए उनको, ऐसे लोग। एक विभीषण ने आवाज उठाया, बोला अपने भाई रावण को, बोला कि आप क्या कर रहे हो, सीता माता जगत जननी उसको लाकर तुम भोग करने के लिए प्रयत्न करते हो, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, छोड़ दो उसको, तुरंत प्रभु रामचंद्र को सौंपा दो और तुम बच जाओगे, तुम्हारा जान बच जाएगा। वो इतना नाराज हुआ रावण, उनको लात दिया उनके वक्षस्थल पर। हाँ? ऐसे एक पिक्चर भी है मेरे पास, उन्होंने लात दिया उनके पेट में, बोला कि अरे भाई मेरे सब मंत्री मेरे बात मान रहे हैं, तुम एक ही व्यक्ति हो, तुम मुझे डिस्करेज करते हो, मेरे विरुद्ध हो, निकल जाओ इधर से, ऐसे बोला उसने। हाँ? तो मतलब दुनिया में आपके शुभ चिंतक भी कोई ना कोई क्यों ना हो, अगर आपकी भलाई के लिए आपको डांटता है, आपको सुधारता है, तो लोग सुधार के लिए तैयार है क्या? नहीं, तो लोग तैयार नहीं। रावण ऐसा था, हम सभी ऐसा था, दुर्योधन भी ऐसा। दुर्योधन को कौन कौन चाहिए? शकुनी चाहिए, दुशासन चाहिए, कर्ण चाहिए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए उसके सभा में। जैसे आप देखेंगे धौम्य ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, नारद, वेद व्यास, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज ऋषि मुनि आए और आकर अच्छे अच्छे उपदेश भी दिया दुर्योधन को। एक कान से सुनता था, दूसरे कान से छोड़ दिया उसने, क्योंकि उसने सोचा कि नहीं, हम इसको मानेंगे नहीं, अपने ही मनमानी किया उसने। कारण क्या है? गर्व है, बड़ा गर्व है। गर्व के बारे में बात चल रहा है इधर, अपने ऐश्वर्य तथा शासन शक्ति के बद से चूर राजा आत्मसंयम खो देता है और अपना असली कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह आपकी माया शक्ति से मोहग्रस्त होकर वह अपनी क्षणिक संपदा को स्थायी मान बैठता है। तो राजा लोग में दो श्रेणी के राजा लोग हैं, एक है राजर्षि, जैसे उदाहरण के लिए युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, नहीं तो अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज के बारे में एक सुंदर श्लोक है, गृहेषु दारेषु सुतेषु बंधुषु दीपोत्तमस्यन्दन बाजी वस्तुषु अक्षय्य रत्नांबरणांबरादिषु अनंत कोशेषु अकरोत् असन्मतिम। ऐसे एक श्लोक में बताया गया कि राजा अम्बरीश के पास क्या नहीं था, गृहेषु दारेषु, बड़े बड़े राजमहल था, अनेक रानियां थी, अनेक पुत्र बच्चे थे, पुत्र थे, उनके पास अनेक हाथियां थी, घोड़े थे, सोना चांदी थी, अनंत कोशेषु बताया गया है, उसका मतलब है उनका कोष प्रेशरी, अनंत का मतलब है इतने प्रचुर मात्रा में धन दौलत था, क्योंकि सारे दुनिया के राजा था वो। ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े भी थे पहनने के लिए,
अच्छे मुकुट था, आभूषण था, इतने ऐश्वर्य के बीच में रहते समय भी अम्बरीश महाराज उन पदार्थों से आसक्त नहीं हुआ। उसको मालूम था कि ये सब पत्थर जैसे हैं, बताया गया असन मतलब ये सब असत है। ऐसे देखा उसने, इन चीजों में मैं उलझ नहीं जाऊंगा, रहूंगा मेरे राज्य के बीच में रानियों के साथ, बच्चों के साथ, राज्य शासन करते हुए। लेकिन वो अच्छी तरह समझ गया कि ये सब चीज मुझे भगवान ने दिया है, कभी भी ये सब छूट जाएगा। हम सब लोग दुनिया में आकर जैसे नए नए जन्मे शिशु, उनका हाथ ऐसे होता है आपने देखा, पकड़ने के मूड में आते हैं। आप बच्चे के उंगली को ऐसे करो, वापिस बंद हो जाएगा ऐसे। कितने लोगों ने देखा, देखा आपने करेक्ट है ना, क्योंकि सब पकड़ने की मूड में आते हैं इस दुनिया में, लेकिन मृत्यु के बाद छोड़ देते हैं। अगले जन्म में क्या करते हैं, ऐसे पकड़ लो और वापिस मरते समय छोड़। तो इस दुनिया क्या दुनिया है, ये पकड़ कर छोड़ने का दुनिया है ये, बस पकड़ो छोड़ो पकड़ो छोड़ो। हर जन्म में, जन्म लेते समय पकड़ो, मृत्यु के समय छोड़ो, यही दुनिया। इसलिए वो समझेगा कि पकड़ कर छोड़ने का खेल में हम जुड़ना नहीं चाहते, ये मूर्ख का खेल है। हम पकड़ना चाहते हैं भगवान के श्री चरण को, जिसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे ऐसे। तो इसलिए उन्होंने भगवान हरि विशुद्ध भक्ति को पकड़ लिया उन्होंने। अहो अनंत दासानां महतां दृष्टमद्य मे कृतागसोऽपि यद्राजन् मङ्गलानि समीहसे। दुर्वासा मुनि बताया, हे राजन, ये भगवान के भक्त लोग कितने महान है, ये तुम्हारे उदाहरण से मुझे देखने को प्राप्त हो गया मुझे। वो तो बोले कि मैं तुमको मारने की योजना किया, लेकिन तुम्हें तुमने मुझे बचाने की योजना किया। तुमने कितना, तुम्हारा उदार हृदय है, तो इस तरह उदार हृदय वाला राजा था अम्बरीश महाराज। तो इस तरह वो राज ऋषि हैं, अम्बरीश हो, युधिष्ठिर महाराज हो, परीक्षित हो, अर्जुन हो, पंच पांडव, गया महाराज, ऋषभदेव, ऐसे अनेक राजा हुए हैं इस दुनिया में। लेकिन इनके विरुद्ध दूसरे तरीके के राजा होते हैं जो राज ऋषि नहीं है, जैसे दुर्योधन, जैसे कंस, जैसे हिरण्यकशिपु, इस तरह के राजा लोग। ये लोग ऐसा नहीं कि ये लोग जानते नहीं, अरे जानते हैं। एक श्लोक दिखाए, देखिए एक श्लोक है दुर्योधन का, जानाति धर्मम, बोलता है वो जानाति धर्म, मतलब मैं धर्म, ऐसा नहीं कि मैं धर्म जानता नहीं, क्या प्रवृत्ति है क्या निवृत्ति है मैं पूरे के पूरे जानता हूँ, बोलता है दुर्योधन। लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है, उसको अप्लाई नहीं करता हूँ, ऐसे बोलता है वो इस श्लोक में। दिखा भी सकता हूँ आपको, एक है ये है? तो इसी तरह से आप देखेंगे हिरण्यकशिपु का बोध आप देख सकते हैं सातवें स्कंद में, करेक्ट है ना। अपने माता और अपने भाई के जो पत्नी थी, वो दोनों को उपदेश दिया। जब हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष मर गया था ना, तब इतना बढ़िया, इतने अच्छे से उदाहरण देता, हम लोग क्लास के लिए भी उत्तर देते हैं हा? आत्मा के बारे में, शरीर और आत्मा के बीच में क्या फर्क है, उसे जानता है, लेकिन जानकारी है लेकिन उसको जीवन में लागू नहीं करेगा। ये असल लोग ऐसे हैं, असल लोगों का बड़ा जानकारी है, लेकिन जानकारी होने के बावजूद भी उसको जीवन में उतारने की तैयारी नहीं है उनकी, ऐसे। तो ऐसे इस दुनिया में जब असुर आते हैं, क्या होता है, एक बड़ा असुर आता है, दूसरा और एक बड़ा असुर आता है, और दोनों असुर सोचता है कि हम दोनों में कौन बड़ा है देखेंगे। दोनों जब झगड़ा करते हैं, बीच वाले लोग चटनी बन जाते हैं, जनता जनता बोलता है कि अरे शांत रहो, मरो एक दूसरे को मारो मत। देखिए अभी वियतनाम वार आपको मालूम है, वियतनाम वियतनाम वार, वियतनाम वार कैसे हुआ, वियतनाम के लीडर और अमेरिका के लीडर के बीच में अहंकार के कारण दोनों को चोट पहुंच गया, ईगो ईगो प्रॉब्लम, और दोनों ने एक शपथ लिया कि मैं छोड़ूंगा नहीं दूसरे को। इसलिए सब लोगों को लगा है, वो पीछे बैठ गए आराम से अपने अपने महल में, वो बैठे हैं, लोग मार मार रहे हैं एक दूसरे को, और वो लोग अहंकारी पुरुष पीछे बैठे हैं आराम से। देखिए इससे दो अहंकारी लोगों के झगड़े में अनेक बाकी लोगों को नुकसान होता है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, उन अहंकारी लोगों के अहंकार को मिटाने के लिए और उनको सही पथ में लाने के लिए, नहीं तो मारने के लिए। या तो देखिए कभी कभी अगर आप कुछ घाव हो गया, कुछ फोड़ा फोड़ा बोलते हैं उसको, फोड़ा हो गया, तो डॉक्टर ऑइंटमेंट देगा,
कुछ तो आयन में डाल देना है ना, टेट्रामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, माइसिन, माइसिन, जो भी ने पाप किया उसके लिए कुछ नतीजा निकलता है, उसको क्या करना है, आयनमेंट डालकर उसको ठीक करो। कभी आयनमेंट डालकर ठीक करने से ठीक होता नहीं, डॉक्टर दूसरा दवाई देगा जिससे आपका कोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आपको आश्चर्य होगा, डॉक्टर क्या इसको बड़ा कर रहे हैं, छोटा करने के पहले क्या कर रहे हैं, बड़ा है। डॉक्टर बोले हाँ बड़ा कर रहा हूं, मैं बताऊंगा क्यों, तुम उसको बड़ा बहुत बुप, बुप, बुप। एक दिन बुलाएगा डॉक्टर, काट देगा उसको चाकू लेकर, तो उसके लिए बड़ा कर रहे हैं। सर भगवान क्या करते हैं असुरों को, ठीक है यात्री प्रवृत्ति बढ़ रहा है ना, बढ़ने दो बढ़ने दो बढ़ने दो, एकदम मोटा होने के बाद काटेंगे। ऐसा तो भगवान देखते रहेंगे देखते रहेंगे, हाँ चलो चलो बेटा करो करो, जितना हो सकता है करो, जितना अहंकार को दिखाओगे तुम, ऐसे दिखाओ जितना करना है, तो सबसे बड़ा होने के बाद भगवान उसको मिटाएंगे उसको। तो ये लोग राजा लोग बोल रहे हैं कि हे भगवान हम हे नाथ न अनसुयाम, इसके पूर्व श्लोक में बोला उन्होंने, हम लोग जरासंध को बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि जरासंध ने क्या किया, हम राजा लोग अपने राज्य बढ़ाने के प्रक्रिया में एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे हम लोग, वो आया क्या किया, हम दोनों को पकड़ा उसने, दोनों को पकड़ कर गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया हमको। अभी हम दोनों सब हमारा ऐश्वर्य हमारे सुख संपत्ति सब चला गया, अगर हम झगड़ा नहीं करते तो साथ में जुड़कर जरासंध को भगा सकते थे, लेकिन हम झगड़ा करने के, यही हुआ भारत में भी, जब मुगल ब्रिटिश लोग आए भारत में, भारत में कौन कौन थे देखिए, अभी राजपूत लोग थे, मराठा थे, और सिख लोग थे, सिख राजपूत मराठा और एक था साथ छोटा कौन और एक था, दक्षिण भारत में भी जो चेर चौड़ पांडियन वो भी लोग थे, लेकिन ये लोग साथ में जुड़कर भारत को बचाया नहीं, आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो जब हम आपस में झगड़ा करते हैं दूसरों के लिए लाभ प्राप्त हो जाता है उन्हें, तो दुश्मन आता है बोलता अच्छा अच्छा झगड़ा करो, झगड़ा करो ना, तो मारो दोनों मरो ना, मैं सब लूट कर निकल के लेके जाऊंगा ऐसे। इसलिए जिधर भी झगड़ा है उधर कली बैठा है, हम लोग कहीं भी भक्तों ने तो झगड़ा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि झगड़ा करते समय कली आ जाता है अंदर, ठीक है। तो ये राजा लोग बोल रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे, हमको देखकर उन्होंने जरासंध आकर हमको गिरफ्तार करके लेके गया, तो बंदी बना दिया, जेल में लग दिया हम लोगों को। हम लोग शुरुआत में बहुत अफसोस हुआ हमको, हाय हाय हम राज्य छूट गया हाथ से, धन दौलत छूट गया, हमारे हम सारे जीवन छूट गया, अभी हमको जेल में डालकर खाना पीना भी ठीक तरह से नहीं दे रहा है, हम बहुत शोषण, हमको शोषण करके इतना सूख गया हमारे शरीर, तो हम लोग बहुत दुखित अवस्था में थे। लेकिन जब हमने आपको लेटर लिखा भगवान को, तो भगवान एक दिन आप पहुंचे उधर कारागर के समक्ष, तब दरवाजा खुला, दरवाजा खोलते ही तुरंत उन्होंने कृष्ण के सुंदर स्वरूप को देखा, हाँ तो भगवान के नीलमणि के बराबर शरीर चमक रहा था, आंखें कमल के पंखुड़ियों के बराबर थी, भगवान के ऐसे एक श्लोक बोलते हैं ना, जयति जयति देवो देवकी नंदनोऽसौ, जयति जयति वृष्णि वंश प्रदीपः, जयति जयति मेघश्यामल कोमल गौ, जयति जयति पृथ्वी भारनाशौ मुकुंदौ, ऐसे श्लोक है, भगवान के मेघ श्यामल कोमलांग, उनके अंग कोमल अंग थे, खूबसूरत शरीर था, वैजयंती माला पहने थे, आभूषण पहने थे, कुंडल पहने थे, मुकुट था, मुस्कुराने वाले चेहरे को देखा उन्होंने, भगवान श्री चरणों को देखा, बोला कि इतने भव्य इतने दिव्य इतने सुंदर दर्शन हमको देखने को मौका मिला, इसका कारण क्या है, जरासंध है, अगर जरासंध पकड़कर हमको इधर नहीं लाया हा? तो एक बार एक 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 भक्त को एक पुजारी कमरे में आया था, वो बात करने के लिए आया था, लेकिन वो पुजारी भूल से क्या किया उसको ला करके चला गया, तो अंदर से बाहर डम 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 कर रहा था, लेकिन पुजारी चाबी भी लेकर चला गया, वो सिटी में भी नहीं है बाहर गया,
कहीं तो बस में जा रहा था, इसने फोन किया उसको, प्रभु जी मैं अंदर था आपको मालूम नहीं था क्या? वो बोला सारी प्रभु जी मालूम नहीं था, मैं लाकर की चाबी है मेरे पास। अरे क्या करें प्रभु जी, मैं सुबह से खाया नहीं प्रभु जी बोला। वो बोला ठीक है मेरे लाकर को खोलो, वहां प्रसाद है अंदर। लाकर को खोला, इतना भर भर के वहां प्रसाद था उधर, वो डोनर के लिए रखा था। बोला उसको खा लो अभी, और बोला कि मैं बाकी दूसरे भक्तों को बुलाऊंगा, हम लाख को तोड़ कर तुमको नीचे बाहर निकालेंगे। तो बाहर लाकर तोड़ने के पहले पूरा कर दिया प्रसाद को इसने। तो वो भक्त बोला मुझे, प्रभु जी उस दिन मैं लाख हो गया, पहले बहुत नाराज था मैं, ये क्या कर दिया पुजारी ने इसे, बाद में महाप्रसाद खाने के बाद मैंने सोचा ये तो इतना बड़ा ही हो गया है ना। तो बाद में उसने वो पुजारी को बहुत गुणगान किया, नाराज नहीं था उसके ऊपर, क्योंकि लाख अगर नहीं होता उस दिन जितना प्रसाद नहीं उसको मिलता नहीं था। इसी तरह इन लोगों का भावना था, ये लोग बोले कि इसने ला कर दिया हमको जेल में, लेकिन जेल खुलते ही महाप्रसाद जैसे भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। वो बोले कि ये जरासंध के ऊपर हमें कुछ ईर्ष्या भावना नहीं है, नाराज नहीं है हम लोग, और ये लोग अपने मन खोल कर अपने सत्य बात को बता रहे हैं। हे भगवान, हम लोग बड़े अहंकारी पुरुष थे, एक दूसरे के साथ हम लड़ाई कर रहे थे, हमारे राज्य की चमक दमक को देखकर हमने सोचा कि ये सब शाश्वत काल के लिए रहने वाला है, लेकिन इस दुनिया के ऐश्वर्य, इस दुनिया में मान सम्मान क्या है, इस दुनिया में वो क्षण भंगुर है। ऐसे ही मुचुकुंद राजा बोलता है कि जब मैं एक हाथी के ऊपर हमको बिठाकर फूल की वर्षा करके घोषणा करते करते थे, मुचुकुंद राजा पधार रहे हैं, ऐसे है सब लोग फूल वर्षा करते थे हमारे ऊपर, सब ताली बजाते थे, स्वागत करते थे। लेकिन क्या है राजा का पदवी, जो हाथी के ऊपर बैठकर चंदन का लेप लगाया जाता है, मुकुट दिया जाता है, गुणगान किया जाता है, वो ही शरीर बाद में जमीन के मिट्टी में मिल जाता है, उसको बोलते हैं कृमि विट भस्म इत्यादि हो जाता है वही शरीर। क्या राजा का शरीर है, इतने समय के लिए टिकने वाला है? और इस राजा के पास जो महल है, रानियां हैं, बाल बच्चे हैं, यश है, हमें कितने साल टिकेगा? अनेक राजा, अब राजा पद में बैठा हुआ व्यक्ति के लिए अनेक दुश्मन भी है, अनेक लोग उसको टांग खींचेंगे, कोई इसको मारे मारेंगे उसको है? और अनेक लोग कोई विषकन्या को भेजते हैं उसको मारने के लिए, बहुत खतरनाक है। आपने आपने देखा होगा राजीव गांधी जब दक्षिण भारत में गया था, कोई उसको हार पहनाने के लिए एक स्त्री आई, लेकिन वो लाइव बॉम्ब थी, वो पहनाते हुए फट करके वो बड़ा विस्फोट हुआ, मर गया वो, और उसकी माँ भी। आप देखते हैं तो दुनिया में देखते हैं उधर भी, कैनेडी कैनेडी मालूम है ना आपको, कैनेडी उसको तो शूटिंग कर दिया वो लोगों ने, एक व्यक्ति ने, है बड़ा पदवी, खूबसूरत शरीर भी है, धन दौलत बहुत है, नाम यश भी बहुत है, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है, बड़ा खतरनाक है, खतरे भी साथ में है दुनिया में है। कितने लोग बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग, मार्टिन लूथर किंग को उड़ा दिया, शूटिंग किया, कैनेडी को शूटिंग किया, बड़े बड़े पदवी में। कोई सोचता है कि बड़ा पदवी नाम यश मिलेगा तो अनेक लोग आपका फोटो लेंगे, क्लिक 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 फोटो करेंगे, लोग आपसे ऑटोग्राफ मांगेंगे, हम भी पॉपुलर होते तो कितना अच्छा होता, ऐसी इच्छा होता है। तो एक व्यक्ति बोला मुझे, प्रभु जी मेरे जीवन में एक इच्छा था कि मैं बहुत बड़े फेमस सिनेमा एक्टर बनना चाहिए, और ऐसे एक्टर बनो सब लोग हमारे पीछे पड़ेंगे, फैंस बन जाएंगे, ऐसे बोल रहा था। अगले दिन न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कोई सिनेमा एक्टर को किसी ने ये कर दिया, हत्या कर दिया, तो मैं उसको बुलाकर दिखाया, देखो उनको एक्टर बनना, देखो क्या हो गया। वो बोला ये नहीं चाहिए हमको, तो मैंने बोला एक्टर मत बनो, भक्त बनो। तो इसलिए हमें कुछ दुनिया में दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आप छोटे भक्त भी बन जाओगे, जैसे एक गिलहरी भी बन जाओगे, एक छोटा छोटे पत्थर को उठाकर फेंक दिया आपने, तो भगवान रामचंद्र संतुष्ट होकर आपको वैकुंठ धाम भेज देंगे। हाँ, इसलिए भक्ति में जो जुड़ने से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। साथ साथ ये राजा लोग इतने सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं क्यों? क्योंकि इनके हृदय में भगवान के लिए एक लालसा, भगवान के लिए प्रेम, भगवान को देखने की एक तरह की विरह भावना पैदा हो गया। जेल में रह रह कर भगवान कब आएंगे, भगवान के दर्शन कब मिलेगा, भगवान के श्री चरण की सेवा कब प्राप्त होगी, इस तरह की भावना। तो कभी कभी हमें भगवान कठिन परिस्थितियों में डालते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में जब हम
परिषद को प्राप्त करते समय ही हमारे मन में एक तरह का भगवान को आश्रय लेने की नया आदत छूट जाता है, नया आदत आ जाता है, पुराने अहंकार छूट जाता है, अहंकार निकल जाता है और नया भगवान के लिए एक भक्ति भावना जग जाता है। तकलीफों में आप देख सकते हैं अनेक लोग तकलीफ के समय ही भगवान को सोचा है, गजेंद्र करेक्ट है ना, तो द्रौपदी आप देखेंगे हाँ, उत्तरा, ये सब उदाहरण से क्या पता चलता है, तकलीफ आते समय भगवान को ज्यादा ही इंसान स्मरण करता है, करेक्ट है ना। इसलिए ये लोगों ने बोला कि तकलीफों से हम डरते नहीं, क्योंकि उस तकलीफ से ही हम लोगों ने आपके दर्शन प्राप्त किया। हाँ, हम कणाभंगुर चीजों को शाश्वत मान बैठा मूर्खता के कारण, लेकिन हमको आपके दर्शन प्राप्त हुआ, अभी हमको कुछ नहीं चाहिए, भगवान आप हमें आपके भक्त बना लीजिए, हम सदा आपके नाम जपे, सदा आपकी कथा श्रवण करें, सदा आपके शुद्ध भक्त बन कर रहे हैं हम, और ऐसे ही हमारा मृत्यु हो, अंतिम काल में आपका स्मरण करते हुए वैकुंठ प्राप्त करे, इतना ही। भगवान ने मुस्कुराया, भगवान ने बोला सब राजाओं को, नौकरों को बुलाया, बोला कि राजाओं को नहाओ, अच्छा मालिश करो तेल से, इनका शरीर सूख गया है, तेल से मालिश करके ऑयल बाथ सबको दो, उबटन तेल लगाकर उनको ऑयल बाथ देकर नए नए अच्छे वस्त्र पहनाओ उनको, और सबको एकदम बड़ा फीस्ट 24 कोर्स फीस्ट बनाओ न, सबके लिए ऐसे फीस्ट बनाओ, सबको फीस कराओ, सब राजाओं को अच्छी तरह नहा धोकर आभूषण पहना कर अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर सबको बिठा कर बड़ा फीस्ट परोसा गया। उसके बाद भगवान ने एक क्लास लिया उनके लिए, बोला कि देखो हमेशा हम लोग गर्व को छोड़कर भगवान के एक प्रतिनिधि बनकर शासन करना चाहिए, प्रजा के ऊपर प्रजा को लाभ प्रदान करना चाहिए, जैसे प्रजा को वर्णाश्रम में लगाओ, वर्ण और आश्रम, उनके उनको ये कार्य में नियुक्त करो, उनको भक्तिमान में भगवान मेरे पास जोड़ उनको, और शुद्ध भक्त बनने के लिए उनको मार्ग बनाओ, खुद भी तुम शुद्ध भक्त बनाओ, और मेरे दिव्य वाणी जो है उसको सदा स्मरण करो, इस तरह तुम शासन करोगे तो दुनिया को भी भलाई करोगे, खुद के लिए भी भलाई करोगे। तो सब राजा लोग मान लिया, उसके बाद सबको एक एक सोने का रथ लाने के लिए बोला, भगवान ने सबको एक एक रथ में बिठाया, बोला कि हर एक राजा को अपने अपने राज्य में लेके जाओ और ये लोग अपने अपने राज्य में शासन करेंगे। तो राजा लोगों की आंखों में आंसू बहने लगा, बोले कि भगवान हमने सोचा भी नहीं, आपने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरीकों से हमको लाभान्वित किया आपने, तो हम आपके लिए हमेशा कृतज्ञ रहेंगे हम, ऐसा बोलकर वो राजा लोग वापस लौटे। आप देख सकते हैं तो सुंदर लीला है, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में भी हम गंभीरता से भक्ति को पकड़ ले, ये राजाओं से सीखे, हम अहंकारी कभी ना हो अपने जीवन में, और ये दुनिया के क्षणभंगुर चीजों को पकड़कर ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, माया ग्लैमर इज फॉर फूल्स, तो हम मूर्ख ना बने, शाश्वत जी जो है वो भगवान के श्री चरण है, भगवान की सेवा है, भगवान की वैकुंठ धाम है, भगवान की भक्ति है, भगवान के भक्तों का संघ है, तो इन चीजों को हम पकड़ ले। सुशील तो प्रभुपाद जी, इसलिए भागवत का तात्पर्य सुंदर तरीके से दिया है, प्रभुपाद जी खुद भी भक्तों के संघ में रहे हैं और अमेरिका जाकर प्रचार करके सारे दुनिया में भक्तों की संख्या को बढ़ा दिया उन्होंने, ताकि हम लोग हमेशा अपने अपने स्थान मंदिर में भक्तों के संघ में रहे, साथ रहकर सेवा करके चित्त को शुद्ध करके मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य जो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति उसको हम कर सके। प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम की और भक्तवृंद की, थैंक यू। तो बहुत देरी हो गया, अगर किसी को प्रश्न हो तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं जवाब दूंगा, ठीक है, आप लोग अपने अपने सेवा में जुड़िए, आई विल आंसर पर्सनली, आई कैन गो वेरी लेट, आई क्रॉस 10 o'clock ऑलरेडी। हरे कृष्णा, तो हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे प्रभु जी को, बहुत से बहुत सुंदर ढंग से हमें समझाया कि कैसे हमें आसुरिक प्रवृत्ति को त्याग करके ना देवता जैसे गुणों को लाना चाहिए, और उसके लिए भगवान की बात को, उनके शुद्ध भक्तों की बात को मान के चलना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर सुंदर लेसन्स मिले हमें, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, और हम आशा करते कि आप बार बार आएंगे, बार बार आते रहिए, और हम लोग धन्यवाद व्यक्त करते प्रभु जी का हरि ध्वनि के माध्यम से। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
इस ग्रेस राधे श्याम प्रभु की।